देश की राजधानी दिल्ली में अन्नदाता एक बार फिर दस्तक दे रहे हैं। दो साल पहले किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और आंदोलन खत्म करते समय उन्होंने अपनी जीत का भी ऐलान किया था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि फिर एक बार किसान दिल्ली की दहलीज पर दस्तक देने वाले हैं। आज के एपिसोड में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे किसान आंदोलन 2.0 की पूरी कहानी क्या है, इस बार किसानों की मांग क्या है और कौन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश आसान भाषा में, जहां आज चर्चा किसान आंदोलन 2.0 की। लेकिन सबसे पहले साल 2020 वाले आंदोलन का रिकैप करते हैं। तारीख 5 जून साल 2020, भारत सरकार ने 3 फार्म बिल पेश किए। इसी समय बड़े आंदोलन की चिंगारी पैदा हो चुकी थी। किसानों ने तीनों बिलों की मुखालफत की, कहा इससे हमारा भला नहीं होगा। 14 सितंबर को पार्लियामेंट में अध्यादेश लाया गया। 17 सितंबर को ये लोकसभा में पास हुआ। 3 दिन बाद 20 सितंबर को राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया। 24 सितंबर को पंजाब में किसानों ने इसके खिलाफ 3 दिनों के लिए रेल रोको अभियान की शुरुआत की, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। 27 सितंबर को इन बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और ये बिल कानून बन गए। सरकार का कहना था कि इन कानूनों से किसानों का भला होगा। किसानों को डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का नियम खत्म कर सकती है और खेती किसानी के कॉरपोरेटाइजेशन को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद उन्हें बड़ी एग्री कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। 13 महीने तक उन्होंने आंदोलन किया। इस दौरान कई किसानों की मौत हुई। किसानों ने पुलिस का दमन सहा, आंसू गैस के गोले, लाठी सबका प्रहार झेला। संयुक्त किसान मोर्चा ने 700 से ज़्यादा किसानों की लिस्ट जारी की जो प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए। नवंबर 2021 में भारत सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। इस दौरान सरकार ने किसानों को MSP की गारंटी देने का वादा किया। कानून वापस लेते समय किसानों ने सरकार से कुछ मांगे की थी। क्या थी वो मांगे, 4 बिंदुओं में आपको बताते हैं। पहला, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी भी राज्य या केंद्र की एजेंसी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है तो आंदोलन संबंधी सभी मामले वापस लिए जाएं। दूसरा, आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी आंदोलनकारी किसानों के परिवार को मुआवजा दें। तीसरा, पराली जलाने के मामलों में किसानों पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं होना चाहिए। चौथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को इस समिति में जोड़ा जाए और देश में MSP और इसकी खरीद पर चल रही नीति यथावत जारी रहे। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए वो फिर से आंदोलन कर रहे हैं। हाल के आंदोलन में किसानों की क्या मांगे हैं? किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत होती है और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों और 58 साल से ज़्यादा उम्र के खेतिहर मजदूरों के लिए प्रतिमाह पेंशन देने की योजना लागू की जाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी। सोमवार 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत और बढ़ा दी है। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को बढ़ाया जाए। दिहाड़ी 700 रुपये की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार मिले। इसे कृषि गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाए। बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिजली की बराबर पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ये बिल लाई थी कि बिजली क्षेत्र की वाणिज्यिक और निवेश गतिविधियों को बेहतर कर सके, मगर इस विधेयक की कई मोर्चों पर आलोचना हुई। एक बड़ी आलोचना ये कि केंद्र इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। फिर क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मुद्दा भी है कि किसान और गाँव वाले बिजली के लिए पैसे भरते हैं। अगली मांग है मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानून बनाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? 18 नवंबर 2004 को कृषि विज्ञानी और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी।
जिसे देश में किसानों की हालत सुधारने के रास्ते खोजने थे। करीब दो साल बाद अक्टूबर 2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। इसके अलावा कमेटी ने मुख्य तौर पर किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म, सिंचाई, प्रोडक्शन क्रेडिट और बीमा, फूड सिक्योरिटी से संबंधित सिफारिशें की थी। किसानों का कहना है कि सरकार मौजूदा जिस MSP फॉर्मूले से उन्हें फसलों का मूल्य दे रही है उससे उनकी लागत भी नहीं निकलती। वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक MSP की मांग कर रहे हैं, यानी लागत का लगभग 1.5 गुना। जैसा हमने आपको पहले बताया, किसानों का आरोप है कि सरकार सिर्फ इनपुट लागत के हिसाब से तय कर देती है, इसमें मजदूरी तक को शामिल नहीं किया जाता। ये तो रही किसानों की मांगें, अब जानते हैं इस आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है। ये सवाल हमने पूछा दी ललन टॉप के संदीप सिन्हा से। संदीप इस समय किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या बताया। इस बार आंदोलन कौन कर रहा है, तो दो नए नाम हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडे। इन दोनों नाम को फिलहाल याद कर लेते हैं। पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर में जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, जो 2020 से लेकर 2021 तक करीब एक साल तक चला था, उसमें बड़े नाम थे राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल और गुरनाम चरूनी। अब ये सारे नाम चले गए हैं क्योंकि अभी तक राकेश टिकैत ने इससे दूरी बनाई रखी है, वो अभी किसी के साथ नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बोला फार्मर का प्रोटेस्ट है, अगर सरकार को सुनना चाहिए, फार्मर की बातें सुननी चाहिए, पर उन्होंने दूरी बनाई रखी है। और बाकी लोगों का ऐसा हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा में कई संगठन थे, वो धीरे धीरे फैक्शनलाइज होते गए क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थी। तो उन महत्वाकांक्षाओं ने जिन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ दिखाई वो उससे थोड़े अलग हो गए, उन्होंने चुनाव में अपनी किस्मत आजमा ली। तो वो उसके बाद फिर एक फैक्शन बचता है जिन्होंने बनाया है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, और इसको लीड कर रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। और इनके साथ एक और संगठन है जिसका नाम है किसान मजदूर मोर्चा, और उसको लीड कर रहे हैं सरवन सिंह पंडे। तो ये दो बड़े चेहरे हैं जो फिलहाल दिल्ली चलो आंदोलन को लीड करते आ रहे हैं, और इन दोनों संगठनों का दावा है कि इस रैली में जो इनका दिल्ली चलो का ऐलान है, इसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल होने वाले हैं। हमने उनसे ग्राउंड का ताजा हाल भी पूछा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सिंघू बॉर्डर का हाल बताएं तो सिंघू बॉर्डर पे दिन भर इंतज़ाम की तैयारी चलती रही। हम जब सुबह में आए थे तो यातायात के कुछ रास्ते खुले हुए थे, बॉर्डर पे फ्लाईओवर वाला एरिया ओपन था, उससे गाड़ियां आ रही थी जा रही थी। पर अभी जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना ही कोई दिल्ली से सीधे इस फ्लाईओवर के ज़रिए, इस बॉर्डर वाले इलाके के ज़रिए हरियाणा जा सकता है, ना ही हरियाणा से दिल्ली आ सकता है। यानी पूरी तरह से ब्लॉकेज, जिसको ब्लॉकेट कहा जाता है, बंद कर दिया गया है। यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो आसपास के लोग हैं उन्हें गाँव के रास्ते लेने का निर्देश दिया जा रहा है कि आप गाँव के ज़रिए आप दिल्ली में अगर दाखिल होना चाहते हैं या फिर हरियाणा जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। और जहाँ तक एक्शन की बात है कि किसानों का जो जत्था अनुमानित था कि आज वो दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली बॉर्डर हिट करेंगे, फिलहाल सिंघू बॉर्डर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। और बड़ा मज़ेदार वाक्या पूरे दिन में हमें देखने मिला, माइक्स लगे थे और माइक्स पे 1-2-3 टेस्टिंग बार बार अनाउंसमेंट होता था। तो अभी थोड़ी देर पहले पहला एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ, संभवतः यहाँ के किसी पुलिस अधिकारी ने अनाउंस किया और उन्होंने एक निर्देश दिया या फिर एक कहें कि सजेशन दिया अपने बाकी जो पैरामिलिट्री के फोर्स, CRPF के या फिर RAF के जो आए हुए हैं, उनको ये निर्देश दिया कि सबको ही अपना रोल डिफाइन कर लें और प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। उन्होंने अनाउंसमेंट ये साफ साफ कहा कि हमारा मकसद उन्हें दिल्ली नहीं जाने देने का है, वो अगर उग्र होंगे तो हमें उग्र नहीं होना है, हमें बहुत संयम बरतना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ भी गलत ना हो। हालांकि ये भी सुनिश्चित करना है कि वो दिल्ली ना जा पाएँ। अगर वो यहाँ बैठना चाहते हैं तो वो यहीं बैठ जाएं और सरकार से बात करें, वो एक अलग प्रोसीड्यूर है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हमें उग्र नहीं होना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस किस्म की तैयारी है। आज के एपिसोड में इतना ही, कि तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है हमारे साथी साजिद ने। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, शुक्रिया।